अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अंगारा वेस्टर्न स्टाइल। और इसके लिए मैंने ये 3 kg चिकन लिया है। आप 1 kg में बनाएं तो उस हिसाब से क्वांटिटी सेट कर लीजिएगा। और मैंने इसमें 600 ग्राम्स ऑफ कर्ड मिक्स करा है। ये फूड कलर है और ये बे लीव्स हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर लेना। कैच का चाट मसाला, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लीजिएगा। ये कुछ मैंने 2 स्पून यहाँ पे डाला है इसमें चाट मसाला। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और फूड कलर भी ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये MDH का चिकन मसाला है, इसको मैं थोड़ा सा यूज करूंगी। इसके लिए बहुत स्पेशल कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें रोस्ट करने होंगे। इसमें मैंने रेड चिलीज ली हैं। अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो 4 सफिशिएंट है, 4-5 क्लोव है, सफेद इलायची है और काली मिर्चें हैं कुछ, और सौफ है और साबुत धनिया है, और इसमें ये सिनेमन है। तो ये सब चीजें आप माइनर सा रोस्ट करके और इसको हम ग्राइंड कर देंगे, फिर हम इसे अपने मैरिनेशन में मिक्स कर देंगे। आपको बहुत कम रोस्ट करना है, इसे ज्यादा नहीं करना। और इसमें जीरा भी है, आप अपने हिसाब से, लाइक 1 kg है तो 1 टेबल स्पून सब चीजें ले लीजिएगा। 5 to 6 ड्राई चिलीज ले लीजिएगा और 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्चें और 3-4 सफेद इलायची लेके आप रोस्ट कर लीजिएगा। ग्राइंड कर लूंगी सब मसालों को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना ये टेस्ट नहीं आएगा। आप इसको मार्केट वाला यूज मत करिएगा पाउडर में, पहले इसको निकाल के रोस्ट करके तभी इसका मिक्सचर बना के हम इसमें मैरिनेशन में मिक्स कर। पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसे मैरिनेशन में मिक्स करूंगी। आप सारा मसाला इसमें डाल दीजिएगा। ये जितना फाइन पाउडर होगा उतना अच्छा बनेगा ये। मैं इसमें कुछ कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। मैं ऐसे ही बिना रोस्ट करे इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसे मिक्स कर दूंगी। बेसिकली आपको कर्ड चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फूड कलर, रेड चिली पाउडर और जो रोस्ट हमने मसाले करे वो चिकन मसाला एंड चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट। इसे हम मिक्स करके, और आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2 घंटे तो आप रख ही दें इसे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा वेसल ले लिया है, आप भी अपना कोई भी जो भी आप जिसमें बनाते हैं वो ले लीजिएगा। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें हम ऑनियन, इसमें हमें ऑनियन फ्राई करनी है तो मैंने ज्यादा ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मेरे पास 3 kg ऑफ चिकन है तो मैंने यहाँ पे 5 बड़े साइज की प्याज ली है जिसको मैं ब्राउन करूंगी। आप 1 kg बना रहे हैं तो 2 मीडियम या बड़े साइज की प्याज, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसे ब्राउन कर लीजिएगा। इसको हम तेल को गर्म होने का वेट करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करके ब्राउन करेंगे।
मैं ऑनियन को यहाँ ब्राउन कर रही हूँ। इसे ब्राउन होने में कुछ 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तब तक हम यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। इसको हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे बिना पानी का। तरीके से इसके जो है तो पेस्ट तैयार होना चाहिए, थिकनेस इतनी हो। पानी मत ऐड करिएगा क्योंकि टमाटर में अपना खुद का पानी होता है। अब मैं इसको साइड रख देती हूँ। ये हम जब ग्रेवी तैयार करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऑलमंड्स एंड कैश्यूज लिए हैं। आप इसको अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा। ये कंपलसरी नहीं है आपको यूज करना है, क्योंकि इसे यूज करने से थोड़ा रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी के अंदर। और अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो 7 to 8 ऑलमंड्स एंड 7 to 8 कैश्यूज ले लीजिए। मैं 3 किलो चिकन बना रही हूँ तो ज्यादा क्वांटिटी। वही जार ले लिया से मैंने टमाटो का पेस्ट बनाया था। मैं इसमें ये इसका एक फाइन थिक पेस्ट बना लूंगी, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके। और इसको भी हम साइड में ग्रेवी बनाने के लिए रख लेंगे। चिकन को कुछ 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और मैंने ये ब्राउन प्याज भी करके रख ली थी। इसको हम अभी ग्राइंड कर लेंगे पेस्ट में और अब हम चिकन बनाने की तैयारी करते हैं। मैं वही ऑयल यूज कर रही हूँ जिस ऑयल में मैंने ऑनियन फ्राई करा था, उसी को कोशिश करिएगा अब यूज करने का। अब मैं इसमें चिकन को ऐड करती हूँ। स्मेल हम इसे अच्छे से जितना भुनेंगे ये उतना अच्छा तैयार होके आएगा। अब हमें इसे कुछ अच्छे से 10 से 5 मिनट भूनना है मैरिनेट हुए हुए चिकन को। बीच बीच में हम सारी चीजें जो हमने तैयार करी थी, टमाटो पेस्ट, ऑनियन फ्राई, सब हम इसमें ऐड करते रहेंगे। हमने काफी भून लिया है और ये 50% कुक भी हो चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको और हम भुनेंगे यहाँ पे अच्छे से ऑयल आने तक। ऊपर भुनते रहेंगे इसे हम अच्छे से भुनते रहेंगे। मैं इसमें यहाँ पे हनी भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारा कर्ड और टमाटोज लिए तो वो कभी खट्टा ना हो जाए। मैं इसमें हनी ऐड कर देती हूँ, ज्यादा नहीं करना, ये मीठा नहीं होता है खाने में। इसे हम 5 से 7 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ब्राउन अनियन एंड आलमंड्स एंड कैश्यूज इसमें डाल के अच्छे से और भून लिया है। मैं इसमें ये ब्राउन अनियन का पेस्ट ऐड करूंगी। आप सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। कुछ भी आप साथ में और जल्दी मिक्स नहीं करिएगा, थोड़ा टाइम देके हर चीज को ऐड करिएगा क्योंकि सबका फ्लेवर अपना अलग आएगा। और ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे फिर से एक बार दोबारा से कुक कर देंगे। हमने ब्राउन अनियन डाल दिए, वरना ये बहुत ज्यादा ऊपर आएगा। और गैस को फ्लेम को लो कर दीजिए। इतने में अंगारा बनाने के लिए कुछ मेरे पास बड़े कोल है, मैं एक कोल को जो हूँ हीट अच्छे से जला लेती हूँ ताकि हम इसे स्मोक कर सके, उसके बिना इसका फ्लेवर अधूरा रहेगा। इसको काफी टाइम लगेगा होने में तो मैं इसे यहाँ पे स्टोव कर देती हूँ। मैं ये पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा इसका। और अगर कोई घर पे पार्टी है तो आप जरूर ऐड करके देखिएगा, तो उसमें खाने में मजा और भी बढ़ जाएगा इसका।
ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने अमूल का बटर ले लिया है। मैं थोड़ा सा बटर इसको ऊपर से इसमें रोगन ऐड करने के लिए यूज करूंगी। इसमें कलर मिला के या आप देगी मिर्च भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो बिल्कुल ना करें। ये लास्ट स्टेप रहेगा हमारा स्मोक के बाद का। मैंने इतना बटर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। ऐड कर रही है, मैंने थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर दिया था, ये ऑप्शनल है, मैं फिर बता रही हूँ। ये थोड़ा रेस्टोरेंट फ्लेवर देने के लिए इसमें हम इस तरीके से इसको मिक्स करके ऊपर से इसमें तड़का कह सकते हैं आप, बाउल बना लिया। आप स्टील का कटोरी भी ले सकते हैं, मैं इसे यहाँ प्लेस करके जो मेरा कोल तैयार हो रहा है इसको और बटर के साथ इसे इसमें रख लेती हूँ। इसे कोल थोड़ा बड़ा है तो आराम से आप प्लेस करिएगा, साइड में कर दीजिए सेंटर में। मेजर स्टेप स्मोक करूंगी, बहुत ध्यान से करिएगा और जितना ज्यादा कवर हो सके उतना ज्यादा इसे कवर कर दीजिएगा। इसकी स्मोक इसमें आ जाएगी और हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। मैं इसे कपड़े से भी कवर कर दूंगी ताकि इसका स्मोक बाहर ना आए और थोड़ी देर बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारा चिकन अंगारा बन के तैयार है और अब हम इस कोल को निकाल लेंगे और इट्स रेडी टू सर्व। आप इसे पराठे रोटी किसी के भी साथ खाएं और ये बहुत टेस्टी बनेगा। ट्राई करके ज़रूर बताएं कैसा बना ये। थैंक यू।